हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट एग्जाम्स 2022 जो कि 19 जून को खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कट ऑफ क्या रहने वाला है, जनरल ओबीसी एससी एंड एसटी। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका टोटल सीट कितना है, किस सेक्शन में कितना सीट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड द डेयरी में भी कितना सीट अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल में आपका पूरा बताया जाएगा कि नॉर्मल सीट कितना है और कितना आपका सेमेस्टर फीस लगने वाला है, क्योंकि सेमेस्टर फीस भी आपको देखना होगा कॉलेज फील करते टाइम। यदि आप उस कॉलेज में जाते हो जहाँ पे सेमेस्टर फीस ज्यादा है तो वो थोड़ा सा आपके लिए, यदि अच्छे स्कोर पे हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप पे पहली बार आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में हमारी टीम के द्वारा बहुत सारी हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ बताने वाले हैं। ठीक है, क्या कट ऑफ आपकी 2022 में रहने वाली है, जेट एग्जाम्स 2022। लेकिन सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं एक बात आपको बोलूंगा कि जो ये कट ऑफ बताई जा रही है उसको देखो आपको टेंशन में नहीं आना है कि यार ये कट ऑफ तो हमारे इससे कम स्कोर है तो क्या हमारा जो है एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका जो है ऑफिशियल डाटा नहीं है, एक एक्सपेक्टेड डाटा है। तो यदि आप इतने स्कोर पे हो तो आप सेफ में हो। ठीक है, मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है, बट इससे यदि थोड़े से नीचे आते हो तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपको एक दिमाग में रखना है कि कट ऑफ को देख के टेंशन में नहीं आना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेल हो, जनरल कैटेगरी से हो, यूआर कैटेगरी से हो, तो 300 से 330 तक आपका स्कोर होना चाहिए, यहां तक आप सेफ हो। फीमेल की बात करें तो 290 से 315, मेल की बात करें ओबीसी से हो 290 से 325, इससे यदि 10-15 नंबर नीचे भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। ओके, देन हम बात करें नेक्स्ट, उसके बाद में यदि फीमेल हो तो 300 से 310, मेल हो तो आप ईडब्ल्यूएस से 300 से 310 और फीमेल हो ईडब्ल्यूएस से 275 से 290 और मेल हो तो एससी से बिलोंग करते हो तो 265 से 275, यहाँ पे 10 प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका 265 से 240 या 45 भी आ रहा है तो आपको लास्ट राउंड तक सीट मिलने के चांस है। ओके, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी फीमेल की बात करें, एससी कैटेगरी से यदि आप हो तो 215 मतलब 200 नंबर भी आपका होगा तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। मेल हो 235 मतलब 225 तक भी आपका स्कोर होगा तो आप एक मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको लास्ट राउंड तक सीट मिलने के चांसेस हैं। देन हम बात करें फीमेल की तो 175 आपका यदि स्कोर हो, मेल की बात करें एसटी से तो 145 स्कोर हो, फीमेल की बात करें तो 135 से 145, इस तरह का ये एक कट ऑफ मान सकते हो। बट ये कट ऑफ आपका एक्चुअल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, बट इतने स्कोर पे आप हो तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हो, आपको सीट मिलने के चांस है। इट्स क्लियर, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा, टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करेंगे आपका टोटल कॉलेज कितना है, कितना उनमें सीट है, चाहे आप सीट होती है नॉर्मल सीट एंड पेमेंट सीट, तो पेमेंट सीट कितना है, नॉर्मल सीट कितना है और कितना आपका सेमेस्टर फीस है वो लगने वाला है, इसका हम डिटेल इन्फॉर्मेशन अब देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब होता है नॉर्मल, मतलब आपका पेमेंट शीट नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट शीट है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको फीस के बारे में दिखा रखा होगा कि कितना फीस यहाँ पे आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 35,000 यहाँ पे फीस बताया गया, तो ये पूरा इस तरह से फीस है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सीट है, पेमेंट शीट कितना, गवर्नमेंट शीट कितना, इतना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ की कॉलेज है, 120 सीट इसमें है और 35,000 इसका फीस है। ओके, देन हम बात करें हनुमानगढ़ की एक और कॉलेज है जो कि नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल सीट है उसमें, 120 सीट है, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज है और 25,300 इसमें जो है इसमें फीस है। ओके, उसके बाद जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो है आपका बात कर सकते हो 120 सीट है, 25,300 इसकी फीस है, फिर जयपुर में 30,000 फीस है, 60 सीट है। और उसके बाद में हम बात करें अजमेर में 60 सीट है और गवर्नमेंट सीट 60 है और 30,000 इसकी फीस है। उसके बाद में अजमेर की बात करें तो इसकी भी 60 सीट है और 30,000 फीस है। और उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल सीट है 30 और 35,000 इसकी फीस है। ओके, उसके बाद उदयपुर की बात करें तो 35,000 इसकी है और सबसे ज्यादा आपकी चूरू में बात करें तो 120 सीट है और 31,000 इसकी फीस है। कोटा में बात करें तो 60 सीट है और 36,000 इसकी फीस है, नॉर्मल सीट है मतलब गवर्नमेंट सीट है। और उसके बाद कोटा की दूसरी कॉलेज में 60 जो है आपकी कॉलेज है, 60 आपकी सीट है, नॉर्मल सीट है और 36,000 इसकी फीस है। तो इस तरह से आप मान सकते हो। ढोलपुर की बात करें तो 44 सीट है, 11,600 इसकी फीस है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज की तो जयपुर में भी आपका जयपुर में आप बात करें तो 35,000 फीस है और यहाँ पे 20
आपका सीट है, पेमेंट सीट है यहाँ पे, ओके। उसके बाद अलवर में बात करें तो 1600 फीस है, और यहाँ पे बात की जाए तो 44 सीट है नॉर्मल। पेमेंट सीट की बात करें अलवर में तो 20 सीट है 35,000 में। तो इस तरह से आप सारा आइडिया लगा सकते हो। नीचे हम बात करें डिफरेंट कोर्सेज की, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पूरा लिस्ट है, आपको मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिल रहा तो इसका लिंक हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप अलग अलग जो है, जैसे हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बीएससी एग्रीकल्चर की सबसे पहले बात करते हैं, पहले हॉर्टिकल्चर का, बीएससी एग्रीकल्चर का, ये सारे कॉलेजेस हो गए जो आपने डिस्कस कर ली, ओके। ये सारा बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है, ओके, ये आप देख सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर का सीट हमने डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, उसके बाद फिशरीज की, फॉरेस्ट्री की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्टिकल्चर की सीट कॉलेज है वो दो है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री झालावाड़ में, जहाँ पे नॉर्मल मतलब गवर्नमेंट सीट है वो 29 है, फीस है इसकी 10,315। उसी तरह से हम बात करें झालावाड़, उसमें यहाँ पे पेमेंट सीट 27 है, 25,000 इसकी फीस है। उसके बाद फॉरेस्ट्री में हम बात करें तो झालावाड़ में तो 42 सीट है नॉर्मल, उसका 10,035,315। और उसके बाद पेमेंट सीट की बात करें तो 17 सीट अवेलेबल है, 25,000 यहाँ पे फीस है। इसी तरह से हम फिशरीज साइंस की बात करें तो फिशरीज साइंस में आपका नॉर्मल सीट है वो 22 सीट है, जहाँ पे फीस की बात की जाए तो 12,530 इसका फीस रहेगा, ओके। देन उसकी बात करें हम जो उदयपुर की महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है पेमेंट सीट 23 सीट है, और यहाँ पे फीस जो है 32,530 आपका सीट है, एक बार आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ओके। देन हम बात करें आपका कम्युनिटी साइंस का, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन में, कम्युनिटी साइंस में तो कम्युनिटी साइंस का यहाँ पे सीट है, नॉर्मल सीट है बीकानेर में 10 सीट है, तो यहाँ पे फीस 9,290। उसके बाद में हम बात करें बीकानेर में गर्ल्स, तो यहाँ पे 30 सीट है नॉर्मल सीट, तो 9,290 यहाँ पे सीट है। उसके बाद में हम बात करें कम्युनिटी साइंस में तो फिर यहाँ पे नॉर्मल सीट 9 है बॉयज के लिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज, तो 12,230 इसका फीस है। उसके बाद उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे पेमेंट सीट 2 है, नॉर्मल सीट की बात करें तो यहाँ पे आपका सीट जो है वो 28 सीट है। कॉलेज ऑफ होम साइंस की बात करें कम्युनिटी साइंस की, तो पेमेंट सीट 4 है, नॉर्मल सीट है वो 9 है। तो इस तरह से यहाँ पे भी 12,303 सीट है। तो अब हम बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीकानेर में 40 सीट है नॉर्मल का, 12,870 फीस है, ओके। इसी तरह से आप सारा जो है डाटा देख सकते हो, डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी का 30 है, 45,890 यहाँ पे फीस दिया गया है डेयरी का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डेयरी की सबसे ज्यादा यहाँ पे फीस अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो डेयरी उदयपुर में पेमेंट शीट 15, नॉर्मल शीट 25 है, जिनका फीस है 38,000, जबकि पेमेंट शीट की बात करें तो 62,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस आपका लग रहा है। तो ये सारा डाटा है आपका, ठीक है, आप अच्छे से आई होप कि समझ में आ गया होगा, कट ऑफ भी आपको आ गया, और इस तरह से आपका पूरा टोटल शीट भी समझ में आ गया। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स या कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हो। और डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि काउंसलिंग प्रोसेस में या आपका जितना भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो उसकी अपडेट है आपके पास आए, और आप अच्छे से जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले या कोई भी कन्फ्यूजन आपके नहीं रहे। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।